अभी तक तो बस गुलाब जामुन ही बना है, देख सकते हो। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, जो भी बनने का मैं दिखाऊंगा, बस बने रहिए। भाई ओसम 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 ओसम, एकदम दिल खुश हो गया भाई। कैमरा में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन माँ का हाथ का खाना है ना, बहुत टेस्टी, एक नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में अभी पहुंचे नहीं है, और मैं एक्चुअली यहाँ दूर दिखाना चाहता था ना, ये है महावीर पहाड़ बोलते हैं। सो मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली भैया लोग के यहाँ, और ये है हम लोग का भाभी मोटी। मेरा सूरज मुझे आया है नजर, ए दीन जरा थम थम के गुजर। क्यों बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो खेत वाला काम था वो फिनिश्ड हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि अभी खत्म हो गया और भैया का शादी भी आ गया है पास। तो आज जाना है भैया लोग के यहाँ, क्योंकि भैया का जो शादी है उसके लिए बनेगा जो बेदी, उसका बेदी का जितना सामान लगता है सारा शॉपिंग मैं करने वाला हूँ, और उसके लिए जो फॉर्मेलिटी रहता है साड़ी वगैरह या फिर उससे कुछ, वो सारा चीज़ मैं खुद मार्केटिंग करूँगा आज। तो वही चक्कर में मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, आज दिन में बेदी के लिए भी सामान खरीदना है, साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा सब खरीदना है। तो ठीक है, मैं अभी कितना टाइम को निकलता हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जाऊँगा मैं भैया लोग के यहाँ और शादी का सारा जुगाड़ खरीदने। तो ठीक है यार, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अच्छा भैया लोग के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा और मचाएंगे। बस अब वीडियो बने रही, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। आज का जो वीडियो है वो तो मेरा रूम से स्टार्ट हो गया, तो ठीक है बाहर चलते हैं, कौन क्या करे, सबसे पहले मिला लेता हूँ आपको। और आज का दिन भर का शेड्यूल तो बहुत बिजी है भाई, मचाएंगे। अरे यार जो छोटे छोटे मुर्गी लोग हैं ना, पागल कर देते हैं रोज सुबह सुबह, मतलब देख सकते हो रोज झाड़ू मारना पड़ता है इसको, ये सारा चैन से रहने नहीं देंगे, इसको कब रखेंगे पता नहीं। सो मैं आ चुका हूँ बाहर, और ये है हम लोग का लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, कहना टोनो इट इधर कहना क्वेश्चन बेटिया बंदर पूछ। तो इसका काम मतलब यूज होता है इस धान को, मतलब सेफ्टी करके रखने के लिए, मतलब वो क्या बोलूँ, बोलने नहीं आ रहा है मेरे को। ये जो स्ट्रॉ देख रहे हो, स्ट्रॉ और ये इसको यूज करके धान को बीच में रखते हैं, मतलब कुआं टाइप का करके, और वही चक्कर में ये सब ज्वाइंट वगैरह कर रहे हैं। और मैं दिखाया ना, बिखरा पड़ा है हम लोग का धान, तो सब एक ही जगह में रखेंगे। और आज सबको ही घर के बाहर है, माँ है, भाई ब्रश कर रहे हैं, पापा उधर है और टोनू है, और धान सब हम लोग का इधर उधर बिखरा पड़ा है, देख सकते हो इधर भी भरा हुआ, इधर भी भरा है, देन इधर भी है, और एक्चुअली बाहर क्यों रखे हैं, और इधर भी भर गया है, देन इस साइड भी पूरा आगे तक भर गया है, इस साइड भी भर गया है, और घर में स्पेस नहीं है। तो जैसे कि देख बताया कि घर में अभी धान रखने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर रख दिए हैं सब जितना हम लोग का धान वगैरह था, और बाकी जो पहले से लाए थे उसको घर के अंदर ही रख दिए हैं। तो ठीक है हम लोग अभी क्या करते हैं पता नहीं, आज तो काम जाना नहीं है, आज जाऊँगा मैं बामरा, तो मैं सबसे पहले ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। खोल लेते हैं फ्रिज, यस क्वालिटी बस थोड़ा सा है, कम हो जाएगा इसमें। सो मैं निकाल चुका हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और आप सब तो रोटी वगैरह वगैरह कुछ खाते होंगे, लेकिन हम लोग यही खाते हैं, अभी बनाने वाला कोई है नहीं। तो हो गया है अभी चिकन करला भुजिया एंड सारू झोल, तो ठीक है फटाफट से मैं खा लेता हूँ। और भाई जो है पहले से निकाल लिया था, वो खा रहा है, और मैं यही धूप पे बैठूँगा क्योंकि ठंड अभी तक गया नहीं है। Awesome test. So friends, मेरा जो ब्रेकफास्ट तो खत्म हो गया, और अभी पकड़ा हूँ डायरी, और क्यों पकड़ा हूँ बता रहा हूँ। मैं जब जिसे बताया कि भैया का शादी के लिए मेरे को, मतलब मेरे खुद को शॉपिंग करना है, और मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है नहीं ना, और शादी में एकदम छोटा छोटा चीज़ भी मिसिंग हो जाता है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो वही चक्कर में मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, और तो ठीक है फटाफट मैं लिस्ट बना लेता हूँ। माँ तो बोली थी मेरे को क्या क्या लेना है, बट बाई चांस मैं भूल जाऊँगा करके लिस्ट बना दे रहा हूँ, तो फटाफट मैं बना लेता हूँ।
देख सकते हो लिस्ट बन के तैयार, और मेरे को इतना सारा लेना है, बाकी सब जो है वो माँ लोग जाएंगे तो लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के हो गया तैयार, एंड अभी टाइम हो रहा है 12:56 ऐसे कुछ है, तो अभी हो रहा है लंच टाइम, और मैं फटाफट से लंच कर लेता हूँ कुछ, और निकलेंगे हम लोग बामरा के लिए। और सबसे पहले जाएंगे गरपोस, वहाँ से जैसे मैं लिस्ट दिखाया था सारा, लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग वगैरह करेंगे। और मैं और कैलाश जा रहे हैं, और लंच में आज हुआ है हम लोग का खिचड़ी चावल और रोटी है। मॉर्निंग को नहीं बनाई थी माँ, लेकिन अभी बना दी है, क्या करें, माँ तो माँ होती है ना भाई। तो ठीक है, अभी जा रहा हूँ मैं, कम से कम 8-10 दिन बाद आऊँगा घर के, 10 ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस चक्कर में माँ थोड़ा सा रोटी बना दी है उसका हाथ का, तो थोड़ा सा खा के जाना करके। और ठीक है, बस बने रहिए, हम लोग जाके मिलते हैं घटपोस पे। खिचड़ी का टेस्ट फिर से देखते हैं थोड़ा। एक सलाद भाई, कुछ भी हो, माँ का हाथ का खाना है ना, बहुत टेस्टी, एक नंबर, मैं खा लेता। सो फ्रेंड्स, गरपोस जाने से पहले मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के यहाँ, क्योंकि उसको जो मतलब एक तरीके से मैं उसको भेज दिया हूँ भैया लोग के यहाँ, मतलब मेरे बदले उसको काम करने के लिए, क्योंकि मेरा खेत का काम खत्म नहीं हुआ था ना, तो वो जाके वहाँ पर कवर कर रहा है, मिठाई विठाई वगैरह या फिर कुछ भी जो काम वगैरह है वो वहाँ कर रहा है। उसका पेंट लेके नहीं गया है, तो मैं उसका घर जा रहा हूँ, थोड़ा उसका पेंट वगैरह लेके आ जाता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे कैलाश के साथ। टोड़ी दला है हेटा मैं आसू छा बोले सो ई जट की नुआ लगला सो तुमने हेटा हाँ ठीक है। सो मेरा फ्रेंड का जो पेंट वगैरह था मैं पकड़ लिया, उसको कैरी कर लिया बैग में। ठीक है, मिलते हैं घर पोस्ट पे अभी वहाँ शॉपिंग पे। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं शादी घर के लिए, अभी 8-10 दिन, पता नहीं कितना दिन लगेगा वहाँ पर। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं और घर को करते हैं टाटा और मिलते हैं घर पोस्ट में, पहले शॉपिंग करेंगे फिर जाएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पोस्ट, एंड कैलाश को लेना था शूज़, तो सबसे पहले शूज़ लेंगे एंड जाएंगे साड़ी वगैरह लेने के लिए, देन पूजा आइटम वगैरह, पूजा नहीं वो बेदी सजाना है ना, तो सारा चीज़ लेके जाएंगे। सो शूज़ वगैरह जो लेना था हम लोग ख़त्म कर दिया, अभी लेने आए हैं साड़ी, जो कि हम लोग को खरीदने नहीं आता, हम बोल दिए हैं भैया लोग को कि वो लोग देंगे अपने हिसाब से। एंड ठीक है, यहाँ से फिर जाएंगे और बाकी जो चीज़ लेना है लेंगे, बस बने रहिए आप। फिर तो पता नहीं है टाइप। सो साड़ी वगैरह का तो काम खत्म हो गया, शॉपिंग अभी आए हैं हम लोग, जो बेदी बनता है ना, बेदी में जो लगता है सामान वगैरह वही खरीदने आए हैं, देख सकते हैं शॉप में ही है अभी हम लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर पर, शॉपिंग वगैरह करके देख सकते हैं कितना सामान लेके जा रहे हैं। और भाई ये तो आधा सामान है, और आधा भाई लोग आएंगे तो वो लोग कैरी करके लेके आएंगे। अच्छा हुआ कि हम लोग जोश जोश में लेके नहीं आ गए, नहीं तो फंस गए होते। और हाँ, मैं बोलना भूल गया था, अभी जोश जोश में मैं भी एक चश्मा ले लिया, सूट कर रहा है कि नहीं पता नहीं, कमेंट करके बताना तो सॉरी, स्टाइल नहीं था, मेरा आँख में बाल घुस जा रहा था। तो ठीक है फ्रेंड, अब बस वीडियो में बनाए रहिए, और एक चीज़ बोलना है आप सबको, और वो मैं बाद में बोलूँगा, बस बने रहिए। सो हम लोग जो हैं भैया लोग के यहाँ, मतलब उनका एरिया आ चुके हैं, एक कच्चा रास्ता होके जाते हैं आगे, तो डायरेक्ट मिलते हैं घर में उन लोग का। रास्ता देख सकते हो भाई कितना बुरा रास्ता है, फिर भी यही रास्ते में जाना आना करते हैं भैया लोग। सो मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली भैया लोग के यहाँ, और ये है हम लोग का भाभी मोटी, और मेरा भतीजा वो जो है वो रो रहा है। ओए कहाँ ला बाबू, कहाँ ला, कहाँ करो छू, देख तो के कंदू छे, जे के कंदू छे, अब बाकी के कहीं कहीं गले। ठीक है, हम लोग घर तरफ घुसते हैं, और हम लोग का शूज वगैरह जो मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, काम वगैरह है कुछ है करेंगे ना नहीं तो मेरे को लग रहा था घर का माहौल पूरा हरा भरा होगा, ये तो पता नहीं साफ उफ कर रहे हैं, घर यहाँ भरा हुआ है, और इधर एक रूम है, और हम जब भी आते थे तो भैया का रूम ये जो है, यह है भैया का रूम, यहीं पर हम लोग सोया करते थे। अभी तो भाभी लोग आएंगे और ये जगह बुक्ड हो जाएगा,
और पता नहीं घर वाला सब कहाँ कहाँ गए हुए हैं। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, देख रहा हूँ उधर दीदी लोग हैं। तो ठीक है, मैं बैग वगैरह रख लेता हूँ, फिर मिलते हैं। और ये है भैया लोग का किचन रूम, ये है बड़ी माँ। चिन्हू छो नहीं चिन्हू, ये है बड़ी माँ जो कि हम लोग का दीदी के माँ है। अब मेरे को नहीं पहचान रही है, शायद बहुत दिन हो गया। किना हो गया? ठीक है, चलो बाहर तरफ चलते हैं, कौन क्या कर रहा है। और ये है हम लोग का नानी। ए हाय हाय करते हैं, नहीं पहचान रही है शायद। और इधर भी है, इधर क्या क्या बना रहे पता नहीं। और इधर भी खाना वाना बनता है। और मैदान इस साइड। ठीक है भैया लोग क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको मिलाता हूँ। सो जैसे मैं बताया था कि भैया लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मिला रहा हूँ। और देख सकते हो भैया को कितना मेहनत कर रहे हैं, साफ उफ कर रहे हैं सारा चीज। काम करने वाले कभी डरते नहीं, नहीं कह सकते कभी प्यार करने वाले डरते नहीं। तो काम करे कुछ अरे भी डरू बोले है गला हार्ड है गला। तो ठीक है, मजीद जो है उधर बिजी है, मैं उससे बाद में मिलाता हूँ। और ठीक है, मैं भी पैंट उंट थोड़ा चेंज करता हूँ और थोड़ी देर काम करते हैं हम लोग भी। एंड सारे काम के बीच में देख सकते हो आ गए हैं हम लोग का मटन बनने, जो मतलब प्रोग्राम के दिन मटन बनेगा वो चीज़ सब रखा हुआ है। देन बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग का जो मिठाई बनने वाला काम है वो एडवांस में कर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में बाकी काम वगैरह है ना, तो वही चक्कर में इसको पहले कर दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी मेरा कपड़ा उपड़ा चेंज कर लेता हूँ, देन भैया लोग के साथ ज्वाइन करता हूँ काम करने में। बस बने रहिए, और वही उसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो जैसे कि बताया कि मेरे भी भैया लोग के साथ काम में ज्वाइन करने वाला हूँ। तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। सब कंफ्यूज में पड़ गया। तो ठीक है, फटाफट हम लोग अपना काम जो है खत्म कर लेते हैं। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जितना होगा हम लोग कर लेते हैं, बस अब बने रहिए। तो हम लोग के काम करने के बीच में हम लोग के जो मझले भैया हैं वो आ गए हैं, और वो शायद टांग गए हुए थे। तो ठीक है, हम लोग फटाफट से काम कर लेते हैं, देन बाद में दीदी लोग से मिला दूंगा। बस बने रहिए, हम लोग थोड़ा मचाते हैं यहाँ पर। इतिहास गवाह है। क्या गवाह है? इतिहास गवाह है। का काम जो है खत्म नहीं हुआ है, और इसी बीच आ गए हैं दीदी 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 हैं। एक्चुअली उनको कोरोना हो गया है, इसलिए दूर दूर जा रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग का काम तो अभी खत्म होगा नहीं, फिनिश कर सुबह मॉर्निंग को फिनिश करेंगे, देन ठीक है जितना हो सकता है हम लोग कर लेते हैं। बस सब बने रहिए। हाई ब्यूटी ऑफ नेचर देख सकते हो, मेरा बैकग्राउंड ये है मस्जिद, ये मैं इसमें पता नहीं चल गया। अभी देख सकते हो कैसे दिख रहा है वे। एकदम दिल खुश हो गया भाई, कैमरा में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अपने चिल की निगाहों से देखोगे ना। तो डायलॉग कहाँ थी? इतिहास गवाह, इतिहास गवाह है, देख रोंगटे खड़ा हो जाएगा। मस्जिद को देख सकते हो, वो बैल सबको पानी पिला रहा है। अरे पियो भाई, पियो पी लो पी लो पी लो। ये जवानी है दीवानी, रुख में रे रानी, चल हट रे दीवानी। चला गया। सीखो इनसे, गाना सुन के शर्मा गए और घबरा भी गए। शर्मा गए का, घबरा गए का। तो हम लोग का जो काम है कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत सारा काम करना बाकी है भाई। तो बस इवनिंग हो गया है, तो हम लोग हाथ मुंह धो रहे हैं और घर तरफ चलते हैं सबसे पहले, और नहीं तो मचाएंगे। कहाँ मचाएंगे दिखाएंगे, शोर मचाएंगे। सो चुका इवनिंग, इवनिंग नहीं थोड़ा बहुत रात हो रहा है, लेकिन मेरा कांड हो गया भाई। मेरा जो जैकेट था ना, पता नहीं कहाँ गिरा दिया, फिर कौन ले गए मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ वो जो शादी करने वाला है वो भैया का जैकेट है, वो अभी ट्रेन में है, वो आ रहा है उसका छुट्टी लेके। तो
अभी उसका जैकेट घर में था, मैं पहन लिया, अभी ये तो मेरा हो गया, मैं उसके शादी के वजह से घुमा दिया ना, तो ये अभी मैं रख लूंगा। तो ठीक है चलो चलते हैं, और कौन क्या कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं, इवनिंग का व्यू देन। अच्छा भैया लोग के यहाँ मीटिंग है शायद, उनका समाज वाला मीटिंग, की शादी में क्या होगा क्या नहीं करके सारा चीज़ डिस्कस होगा, तो सब तो मैं नहीं दिखाने वाला। और मोनालिसा को देख सकते हो कैसे आराम से सोई है भाई, और उधर मामी बैठी है बाबू ना खाना की बाबू तो ना खाना है आज देख आज आज आज। तो मुझे भी फिलहाल नित्यानंद है, हाँ बाबू का नाम नित्यानंद है, एक्चुअली मैं भूल गया था। और ओपोजिट साइड देखते हैं दीदी लोग क्या क्या कर रहे हैं, और मैं राजवीर को नहीं दिखाया था ना, राजवीर है हम लोग का पुत्रा कहना कहना बाबू कहना, और ये है राजवीर, देख बाबू देख हम लोग का पुत्रा है राजवीर। ओए और इधर भी चूल्हा है, और इधर भी खाना वाना बन रहा है जो बनना चाहिए। तो ठीक है अब वीडियो में बने रहिए, एंड नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। समाज वाला तो मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, और वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा तो हो जा रहा है, बट तो थोड़ा सा दिखाऊंगा बस लास्ट मोमेंट के लिए, अब बने रहिए। कैलाश और राजवीर को देख सकते हैं मोटन दबा रहे हैं, बाबू कहाँ खाऊ छू कको। राजवीर और बड़ी माँ जो कि मैं अब सबको दिखाता हूँ घर में, कि हम लोग के घर में सारू झोल हुआ है करके, तो ये वही है जिसको साफ कर रहे हैं। गाना ठीक दे बाबू कहते लो जो छे देखा। और इधर अभी चाय बनेगा, और ठंड लग रहा है, और उधर कुछ मतलब दाल है शायद, और इधर दीदी थी जो गोभी काट रही है, और भैया बिजी है मोबाइल में। सो फ्रेंड्स जैसे कि बताया था कि पहले से वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट फ्लो फ्लो में बना दिया, और बस यार आज का वीडियो में इतना ही, और कल से स्टार्ट होगा मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ तो अभी 9-10 दिन रुकने वाला हूँ, तो ठीक है यहीं का ब्लॉग शूट करेंगे, भैया का शादी है, प्लॉट फुल मतलब वेब सीरीज बना दूंगा मैं यहाँ का। तो ठीक है अब ये वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मचाएंगे धमाल करेंगे, बस अब वीडियो में बने रहिए और प्यार देते रहिए, और थैंक यू सो मच एक दिन में मुझे 40 सब्सक्राइबर देने के लिए। लव यू ऑल, बाय।